प्रदेश में भाजपा ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहा कि कोर्ट ने भाजपा की याचिका पर राहत देते हुए आगामी कार्रवाई पर रोक लगाई और साथ ही कहा कि कोर्ट का आदेश ये दर्शाता है कि विद्वेष की राजनीति की हार हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हनुमानगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय के विरुद्ध मामला दर्ज यहां पर किया गया था, जिस पर भाजपा की ओर से लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने दर्ज मामलों में कार्रवाई पर रोक लगा दी। पूनिया ने यह कहा कि मुकदमे लगाकर कांग्रेस सरकार भाजपा की आवाज को नहीं दबा सकती। एक तरफ तो भारत पूरी मजबूती के साथ वैश्विक महामारी कोरोना से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहा और प्रधानमंत्री जी बिना किसी भेद के हर प्रदेश की अपने खुद की तरफ से मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी चिंता करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पिछले सवा महीने से सेवा के काम कर रहे थे, उन लोगों को एक तरीके से डराने के लिए, प्रताड़ना के लिए, भय के लिए उन पर विभिन्न धाराओं में पूरे प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज किए। फेरिस लंबी है, गंगानगर से लेकर बायतू तक, दौसा, कुचामन, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर, कहां कहां नहीं, इन सब स्थानों पर। केवल यही नहीं, पार्टी के जो हमारे दो प्रमुख विधायक हैं, रामगंज मंडी के विधायक, सांगानेर के विधायक पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए, पुष्कर के विधायक।